हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज अवर नाउ। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट गूगल मैप्स। गूगल मैप आप सबके मोबाइल में इंस्टॉल ऑलरेडी होगा। सो लेट्स वेलकम आवर न्यू एपिसोड, जैसे कि हर संडे होता है, एडुकेशन विद टेक्निकल स्किल, एडुटेक स्किल के साथ। ट्रिक नंबर वन, डाउनलोड योर ऑफलाइन मैप। पहले आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे और उसमें एक ऑप्शन है ऑफलाइन मैप, उसमें क्लिक करेंगे। फिर सिलेक्ट योर एरिया, देन आप सर्च करके एरिया का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेंगे नीचे। ट्रिक नंबर टू, एक्सप्लोर योर एरियाज एंड गिव योर फीडबैक फॉर एरियाज यू विजिटेड। जैसे कि आप सब कोई हर एरिया में जाते हैं और उसमें आप ऐसे ही घूम के चले आते हैं, अगर आपका लोकेशन मैप ऑन होता है तो वो ट्रैक कर लेता है अपना फीडबैक, आप वो एरिया के बारे में दे सकते हैं। अपडेट में जाके फिर जो एरिया में आप विजिट करते हैं उसका फीडबैक मांगता है गूगल मैप, और उसमें आप अपना रिव्यू छोड़ सकते हैं वो एरिया कैसा है, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। अभी चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ओर। ट्रिक नंबर थ्री, सी नियर बाय प्लेसेस। जब भी आप गूगल मैप ऑन करते हैं, अगर आप अपना करंट लोकेशन ऑन किए हैं, उसमें आप अपना नियर बाय प्लेसेस, आपके आसपास क्या है वो आप देख सकते हैं इसमें। तो उसी के हिसाब से आप जान सकते हैं कि आप कौन से लोकेशन में हैं और इसके आसपास आपके रिलेटेड क्या है। देन ट्रिक नंबर फोर, शेयर योर लोकेशन। इसके थ्रू आप अपने मोबाइल में एक एरिया सर्च कर सकते हैं, और अगर आप उस एरिया को दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको कोई लोकेशन सेंड करने के लिए आपके फ्रेंड लोग बोले हैं, तो वो कैसे करेंगे। आप सबसे पहले ऊपर स्क्रीन में सर्च कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे धोली सर्च की हूँ, और यहाँ पे देखिए स्टार ड्राइविंग में अगर आप निकल रहे हैं तो रूट आपको दिखा रहा है, और सेकेंड ऑप्शन होगा सेव। सेव में अगर आप चाहते हैं तो इस लोकेशन को आप सेव कर सकते हैं अपने मैप में। देन शेयर, शेयर में क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दिखा देगा कि आप किसके थ्रू शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो या किसी को मैसेज करना हो, तो ऐसे आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं। ट्रिक नंबर फाइव, गूगल मैप रिटर्न डिटेल। इसमें आप मैप को डायरेक्टली ऑन ना करके, अपना मोबाइल का पावर सेविंग करके, ये वाला ऑफलाइन जो रूट है, मतलब अगर आप किसी लोकेशन सर्च करते हैं तो उसके नीचे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ से कितना टर्न करना है, सब कुछ डिटेल आपको रिटर्न अपडेट दे दे रहा है। इसी को आप स्क्रीनशॉट लेके आप ऑफलाइन मोड में भी ड्राइव कर सकते हैं, ताकि आपका मोबाइल भी सेव हो जाए और फिर जब चाहे इसको निकाल के आप रूट देख लिए। और ट्रिक नंबर सिक्स, ऐड स्टॉपेज टू सर्च लोकेशन। हमेशा जब आप गूगल मैप में सोर्स एंड डेस्टिनेशन देके सर्च करते हैं तो उसमें एक एस्टिमेटेड टाइम दिखा देता है, बट अगर आपको बीच में कहीं रुकना होगा तो क्या करेंगे, वो तो टाइम बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे, आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन में जाके रूट प्रीव्यू करके राइट हैंड साइड में ऊपर वो जो तीन डॉटेड लाइन आता है उसमें क्लिक करके आप ऐड स्टॉपेज करके बीच में स्टॉपेज ऐड कर सकते हैं। इसमें देखिए मैं जैसे की हूँ, उसी के हिसाब से आपका टाइमलाइन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक स्टॉपेज में कुछ टाइम रुक गए वहाँ पे, और फिर आप बहुत सारा स्टॉपेज भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक नहीं दो तीन स्टॉपेज भी ये वाला मैप में ऐड कर सकते हैं। ट्रिक नंबर सेवन, मार्क योर फेवरेट प्लेसेस। सपोज आप कहीं घूमने गए हैं और उस जगह में आपको कैसे लगा या फिर आपका वो फेवरेट प्लेस है, तो उसको आप गूगल मैप में अपना टाइम जो अकाउंट है उसमें सेव कर सकते हैं, फेवरेट प्लेस या फिर लेबल्ड, इसमें न्यू लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ आपको फ्यूचर में कहीं जाने का प्लानिंग है, इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आप जब चाहें तो उसको चेक करके अपना टूर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वन टू गो लिखा हुआ है, उसमें आप अपना जो फ्यूचर में घूमना चाहते हैं तो उसको इसमें ऐड कर दीजिए, ताकि आपको याद में रहेगा। फिर स्टार प्लेसेस, जो अच्छा अच्छा जगह है तो उसमें अपने हिसाब से लिस्ट क्रिएट करके उसमें लेवल लगा सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। और अभी जानेंगे ट्रिक नंबर एट, एडिट एनी मैप।
एडिट एनी मैप में क्या होता है, सपोज आप कहीं जा रहे हैं और उसमें मैप में कोई गलत रूट डाल दिया है, उसमें आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करके आप गूगल मैप को थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हर गली में वो नहीं पहुंच सकता, इसीलिए आप थोड़ा अपने तरफ से उनको हेल्प करेंगे एडिट करके। फिर जो भी, अगर नाम गलत है तो नाम एडिट करके लिख सकते हैं, और अगर एरिया गलत है तो उसको भी आप डाल सकते हैं, ऐसे आप गूगल मैप करेक्शन कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 9, ऐड एनी प्लेस टू गूगल मैप। इसमें आप कोई प्लेस, अगर मिसिंग प्लेस है, जैसे कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ, अगर ये अननोन प्लेस है, उसी को लेके फ़ोटो खींच के ये एरिया में नेमिंग कर सकते हैं गूगल मैप में, तो डाल दूँगी, क्यों तो बाकी सबको भी इजी हो जाएगा थोड़ा जानने के लिए, और गूगल का भी एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाएगा। ट्रिक नंबर 10, ऐड फोटो टू ए लोकेशन एरिया और ऑर्गेनाइजेशन। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस हो या फिर कोई प्लेस हो घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपके मोबाइल में अगर उसका बहुत अच्छा अच्छा क्लिक है और आप उसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर आप उस एरिया का फोटो डालना चाहते हैं, तो उसमें ऐड कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 11, शिप मैप टाइप एंड COVID-19 अपडेट। इसमें आप ऊपर जो स्क्वायर टाइप का एक होता है उसमें क्लिक करेंगे तो आपको मैप का टाइप दिखेगा, आपको जिस टाइप का चाहिए उसी टाइप में सिलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे एक COVID-19 अपडेट लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे तो COVID-19 का केस कितना है करेंट लोकेशन में वो पूरा दिखा देगा डिटेल्स। अगर आपको और भी ज़्यादा सर्च करना है COVID-19 के ऊपर, उसका जो सोर्स है विकिपीडिया से, वो जो डाउनलोड करता है, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है, लर्न मोर में क्लिक करके आप उसके अंदर जा सकते हैं। ट्रिक नंबर 12, सर्च योर नियरेस्ट स्टोर बाय कैटेगरी। तो उसमें क्या होता है, आप सबको ये वाला लाइन पूरा दिख रहा होगा, नीचे लेटेस्ट इन एरिया, मतलब जो हाईलाइटेड प्लेसेस है लोग जो ज़्यादा सर्च करते हैं वो दिखाई देता है, और ऊपर बहुत सारा कैटेगरी लिखा हुआ है, उसमें अगर ऊपर आप क्लिक करते करते जाएंगे या फिर स्क्रॉल करते जाएंगे तो अपने टाइप का जिस एरिया में रहते हैं उसी के आसपास क्या रेस्टोरेंट या फिर जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है उसमें क्लिक करेंगे तो आपके नियरेस्ट जो भी एरिया का सर्च करेंगे वो आपको दिखा देगा। तो ऐसे ही आप अपने एरिया में जो आपको चाहिए सर्च कीजिए। ट्रिक नंबर 13, चेक अवेलेबल मोड्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एरिया का सोर्स एंड डेस्टिनेशन दे के आपको किस में जाना है, चल के जाना है या बाइक में जाना है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रेन, सबका अवेलेबल मोड इसमें चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी मोड को चेक करके प्रिफर्ड मोड, आपको मैक्सिमम टाइम किस में जाना होता है वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, टिक मार्क लगाएंगे तो उसी के हिसाब से वो पॉसिबल आंसर दिखाएगा। ट्रिक नंबर 14, चेक योर ट्रेन टाइमिंग। नॉर्मली आप जब ट्रेन में जाते हैं तो पहले प्लेटफॉर्म में जाके चेक करते हैं ट्रेन, या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कि अभी ट्रेन का टाइमिंग क्या है और ये लोकेशन में जाता है कि नहीं, तो उसको आपको दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। गूगल मैप में आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक सर्च कर लीजिए और फिर ट्रेन में क्लिक कर देंगे तो उसमें आपको डिटेल्स पूरा आ जाएगा, ट्रेन का टाइमिंग और कौन सा डे कौन सा ट्रेन जाता है, डिटेल्स व्यू आपको इसमें मिल जाएगा, ताकि और आपको दूसरा एप्लीकेशन या फिर रेलवे स्टेशन में जाके पूछना नहीं पड़ेगा, इसमें पूरा डिटेल रहता है। ट्रिक नंबर 15, चेक ट्रैफिक। नॉर्मली अभी आप कहीं पे जा रहे तो जाने के बाद ही पता चलता है इसमें ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। इसमें आप डेस्टिनेशन एरिया सर्च करेंगे, फिर स्टार्ट ड्राइविंग जब करेंगे पूरा रूट मैप दिखाएगा। रूट मैप दिखाने के बाद आप इसमें देखिए बहुत सारा कुछ रूट येलो कलर का दिख रहा है और कुछ ब्लू एंड और कुछ रेड। जो येलो कलर का दिख रहा है वो मॉडरेट ट्रैफिक है, मतलब थोड़ा एवरेज से थोड़ा ज़्यादा, और रेड वाला बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और अगर ब्लू लाइन आता है जो वाला वो नॉर्मल ट्रैफिक है। तो उसी के हिसाब से आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं और अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी निकल जाएं या लेट से निकले आपकी मर्जी। ट्रिक नंबर 16, शेयर योर रियल टाइम लोकेशन।
तो इसको आप डेस्टिनेशन सेट करके जब स्टार्ट ड्राइविंग करते हैं, ऊपर वाला लाइन में क्लिक करके शेयर योर लोकेशन में जब क्लिक करते हैं, आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा कि किसके थ्रू आप शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेल या फिर किसी भी सोशल साइट के थ्रू। बट आप सोच रहे होंगे कि लोकेशन एंड रियल टाइम लोकेशन में ज़्यादा क्या फ़र्क होता है, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि लोकेशन में आप कहीं भी प्लेस को सर्च करके किसी को सेंड करें तो वो जब जाएंगे तो ये वाला रूट उनको दिखाएगा। बट रियल टाइम लोकेशन में आप खुद का लोकेशन सेंड कर रहे हैं, ताकि आप जहाँ भी मूव कर रहे हैं आपका रियल टाइम लोकेशन और एक्यूरेट वाला उनको दिखाई देगा जब वो ट्रैक करेंगे। तो अगर आप कहीं टूर में जा रहे हैं तो अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर होते हैं उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग टेंशन ना लें और कहाँ तक पहुँचे वो देख सकते हैं। ट्रिक नंबर 17, चेंज योर नेविगेशन सेटिंग। प्रोफाइल में नेविगेशन सेटिंग में जाके आप सिस्टम का वॉइस लो या हाई रख सकते हैं, और फिर थीम जो आपका ब्लैक रहेगा या लाइट रहेगा, बहुत कुछ है अपने हिसाब से, वो आपको सेटिंग चेंज करना होगा। ट्रिक नंबर 18, चेक योर डेली विजिट। चेक योर डेली विजिट में क्या होता है, अगर आप लोकेशन ऑन करके हमेशा रखते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिटेल्स आप मंथ एंड में या फिर कभी भी चेक कर सकते हैं टाइमलाइन में जाके। ट्रिक नंबर 19, एडिट योर प्रोफाइल एंड चेक योर कंट्रीब्यूशन। इसमें आप प्रोफाइल में जाएंगे और फिर जितने जगह के लिए आप रिव्यू छोड़े होंगे या फिर जो भी फ़ोटो खींच के आप कहीं पे ऐड किए होंगे, डिटेल आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और इसमें सेटिंग बहुत, वेरिफिकेशन ये वो बहुत कुछ है, आप चेंज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 20, चेक योर मोबाइल एक्टिविटी। माई अकाउंट में जाके डाटा एंड पर्सनलाइजेशन में क्लिक करके माई एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, मोबाइल में कितनी बार क्या यूज़ करते हैं, डिटेल लिस्ट आपके पास आ जाता है, ताकि अपने आप को आप ट्रैक कर सकते हैं और अपना आदत चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही गूगल मैप के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक छोड़ें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे नया नया अपडेट आप सबको देती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे कुछ नया और मज़ेदार इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के नॉलेज के बारे में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।